बीजेपी कैंडिडेट टी राजा बोले, मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, जो गाय काटेगा उसका हाथ तोड़ूंगा, यही मेरा स्टाइल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ये मेरी जिंदगी और मौत का चुनाव है, मैं मरने से नहीं डरता और ना ही किसी को मारने से डरता हूँ, तो सोच समझ कर मुझसे गद्दारी करना, मेरी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। ये दुश्मन जो हमारी गायों को काट देते हैं, लव जिहाद करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, इन दुश्मनों की यहाँ गिनती 70,000 वोटों से होती है और हमारी गिनती वीरों से होती है। ये टी राजा सिंह है, तेलंगाना में बीजेपी के सबसे चर्चित और विवादित कैंडिडेट। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग है। टी राजा हैदराबाद की गोशा महल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 13 नवंबर को रात 8 बजे गोशा महल में उनकी रैली थी। रैली में उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ फिर आपत्तिजनक बयान दिए। मंगलहाट थाने की पुलिस ने टी राजा के खिलाफ दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। 28 नवंबर को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद टी राजा से बात की, इस दौरान भी उनके तेवर वही रहे। टी राजा ने एक पुराना किस्सा भी सुनाया, जब पुलिस उनका एनकाउंटर करने वाली थी, ये सभी बताया कि चंद्रबाबू नायडू के कहने पर वे बीजेपी में आए थे। सवाल, आरोप है कि आप मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? जवाब, मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, जो हिंदुत्व को गाली देगा मैं उसको अपनी भाषा में जवाब दूंगा। मैं गौ सेवक हूँ, गौ रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, जो मेरी गाय को काटेगा मैं उसके हाथ तोड़ूंगा, यही मेरा स्टाइल है। लव जिहाद, धर्मांतरण और अनेक तरह से हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। मैं अपनी भाषा में ऐसे लोगों को समझाने के लिए भाषण देता हूं, जिन्हें समझ में नहीं आता वो मेरे ऊपर केस करते हैं। सवाल, आपने कहा हैदराबाद का दुर्भाग्य है कि यहां का सांसद एक देशद्रोही है, असुद्दीन ओवैसी को वोट बेचने वाला बता दिया, क्या एक सांसद के लिए ऐसा कहना ठीक है? अगर वो देशद्रोही है तो केंद्र में आपकी सरकार है, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते? जवाब, हमें जो करना था किया, असुद्दीन ओवैसी पहले से ही केंद्र के रडार पर हैं। गुजरात के पूर्व मंत्री हरेन पांड्या का मर्डर करने वाले असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जुड़े थे, सभी ओल्ड सिटी से अरेस्ट हुए थे। गोकुल चाट भंडार में ब्लास्ट हुआ, लुम्बिनी पार्क में ब्लास्ट हुआ, कई निर्दोष लोग मारे गए, उन्हें भी फाइनेंशियली फिजिकली सपोर्ट करने वाला असुद्दीन ओवैसी ही था। ऐसे आदमी के लिए मैं कोई भी शब्द का इस्तेमाल करूं वो कम है। सवाल, आपने ओल्ड हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान कह दिया, आपका दावा है वहाँ घर घर में बम मिलेंगे, इसकी क्या वजह है? जवाब, लुम्बिनी पार्क में आप लोग वाटर फाउंटेन का शो देख रहे थे, वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ओल्ड सिटी के एक घर में बैठकर लोगों ने RDX मंगाया, बम बनाने की ट्रेनिंग ली और वहीं पर बम बना। इसी बम से गोकुल चाट भंडार में ब्लास्ट हुआ, फिर ओल्ड सिटी से आरोपी पकड़े गए। ओल्ड सिटी असुद्दीन ओवैसी की सीट है, वहीं घर में RDX मंगवाया गया, बम बना। इन सभी चीजों को देखते हुए हमने विधानसभा में कहा था कि ओवैसी का संसदीय क्षेत्र ओल्ड सिटी मिनी पाकिस्तान बन चुका है। सवाल, मंचों से आप बोलते हैं कि जो वोट नहीं देगा उसके घर बुलडोजर चलवा देंगे, गद्दारी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, एक जनप्रतिनिधि का ऐसा बोलना सही है क्या? जवाब, देखिए, मैं देश में रहकर देश से गद्दारी ना करें, मेरे देश में रहकर मेरी गाय मैया को ना मारें, मेरे देश में रहकर लव जिहाद ना करें, जो भी ये सब करेगा उनके घर 100% बुलडोजर चलेगा, कोई उसे रोक नहीं सकेगा। सवाल, योगी आदित्यनाथ नॉर्थ में है और आप साउथ में हिंदू हृदय सम्राट हैं, क्या ये कहना ठीक है? जवाब, ये तो जनता ने मुझे नाम दिया है, योगी आदित्यनाथ जी मेरे गुरु हैं, पूजनीय हैं, हम उनको फॉलो भी करते हैं, दो दिन पहले हमें आशीर्वाद देकर गए हैं, वे वहाँ हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं, ये नाम जो है वो जनता देती है, साधु संत देते हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ जो जनता और साधु संतों ने मुझे ये नाम दिया है। सवाल, आपकी सीट पर 70,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, क्या आपको लगता है कि वे आपको वोट देंगे? जवाब, मैंने कभी मुसलमानों से वोट नहीं मांगा और ना ही मांगूंगा, मुझे मेरे हिंदुओं का ही आशीर्वाद काफी है, 2,00,000 हिंदू मेरे विधानसभा एरिया में रहते हैं, मुझे 70,000 मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। 2014, 2018 या 2023 का चुनाव है, तीसरी बार मैं हिंदुओं के वोट से नहीं जीत कर दिखाऊंगा। सवाल, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो अपने इलाके के मुसलमानों को क्या मैसेज देंगे? जवाब, मैं मुसलमानों को एक ही संदेश देना चाहता हूं, अगर आप विकास चाहते हो तो मोदी जी को सपोर्ट करो, आतंकवाद चाहते हो तो असुद्दीन ओवैसी को चुनो, अगर अपनी बर्बादी चाहते हो, अपने एरिया में डेवलपमेंट नहीं चाहते हो तो ओवैसी को सपोर्ट करो। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ना होते, ट्रिपल तलाक बिल ना लाते तो आपकी बहन बेटियों से रेप होता रहता। मोदी जी ने उन तमाम महिलाओं की इज्जत के बारे में सोचा जिनके साथ हलाला के रूप में बलात्कार होता था। ट्रिपल तलाक बिल लाने के बाद महिलाएं मोदी जी को बड़ा भाई और बेटा मानकर आशीर्वाद दे रही हैं। मुसलमानों से एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर भलाई चाहते हैं तो मोदी जी से जुड़ें, बर्बादी चाहते हैं तो ओवैसी से जुड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।